Hello students, in this video we will discuss sources of history. There are two types of sources, archaeological sources and literary sources. Archaeological sources include cave paintings, coins, inscriptions, monuments, burial sites, etc. And literary sources includes manuscripts, religious texts. Got it? These sources are very important because they give us information about the past. Archaeologists are people who excavate to find evidence of the past. Archaeologist कौन है? वो लोग हैं जो खुदाई का काम करवाते हैं कहाँ पर? जहाँ से वो सबूत इकट्ठे करते हैं past के. They look for objects like stone tools. किसको देखते हैं वो? स्टोन टूल्स को, पोट्री, सील्स, ज्वेलरी, टॉयज एट्सेट्रा फ्रॉम एग्जीक्यूशन साइट्स. जहाँ पर वो खुदाई करते हैं वहाँ से वो टूल्स देखते हैं, पोट्री, सील्स, आभूषण. किस तरह के टूल्स यूज़ करते थे पहले के लोग, उनकी पोट्री कैसे थी, कैसी सील थी, किस तरह के उनके आभूषण थे. These objects provide a lot of information about that period of history. ये ऑब्जेक्ट किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं. These are specially important in gathering information about prehistory. ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन? प्रीहिस्ट्री टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रीहिस्ट्री टाइम वो टाइम होता है जब लोगों के पास रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं थी. उस समय की लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं हुआ था. उस समय की इन्फॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है जो जब तक रिटन वर्क नहीं हुआ था उनका शुरू. वी विल डिस्कस दी सोर्सेज वन बाय वन. फर्स्टली वी विल डिस्कस केव पेंटिंग्स. मैनी केव पेंटिंग्स डन बाय अर्ली मैन. बहुत सी केव पेंटिंग की गई थी अर्ली मैन, आदि मानव के द्वारा. भीमबेटका केव्स इन इंडिया आर फेमस फॉर द केव पेंटिंग्स. भीमबेटका केव्स, भारत में जो भीमबेटका केव्स हैं सेंट्रल इंडिया, वो फेमस है केव पेंटिंग के लिए. किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? दे टेल अस अबाउट द एनिमल्स द अर्ली मैन हंटेड. कि आदि मानव कौन से पशुओं का शिकार करते थे, विच वेपन दे यूज्ड, किस तरह के हथियार वो यूज करते थे. सम ऑफ द पेंटिंग्स एट भीमबेटका आर अप्रोक्सीमेटली 300 ईयर्स ओल्ड. And important thing is, cave painting is also means of communication of early man. Got it? Now we will discuss about coins. Coins, सिक्के. राजा जो होता था वो अपने सिक्के खुदवाता था. सिक्के वो जब बनवाता था तो उससे उसके किसके बारे में information मिलती है? वो kingdom के, उसके उसका size, एक्सटेंशन कितना है उसके साम्राज्य का, किस तरह का मेटल वो कॉइन के लिए यूज कर रहे हैं, उससे हिस्टोरियंस इतिहासकार जो है गैस कर सकते कि राजा का साम्राज्य की रिच है या पुअर. कॉइन्स और भी इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट रिलीजन, क्लॉस एंड इवन द पास टाइम्स ऑफ द पीपल. कॉइन्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? लोगों के उस समय के कौन सा धर्म वो फॉलो करते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, इवन द पास टाइम्स ऑफ द पीपल. लोगों के बीते समय के बारे में हमें एवरी स्टेप्स, एवरी मोमेंट्स की वो जानकारी हमें कॉइन्स से मिलती है. इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस होते हैं शिलालेख. इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग ऑन स्टोन और मेटल. ये शिलालेख किस पर बनवाए जाते थे? स्टोन और मेटल पर बनवाए जाते थे. मैनी इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एम्परर अशोका, सम्राट अशोका ने भी अपनी इंस्क्रिप्शन बनवाई थी. ये इंस्क्रिप्शन राजा महाराजा अपने खुद बनवाते थे. वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते थे? उस राजा के साम्राज्य के बारे में, राजा के लाइफस्टाइल के बारे में एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो. इवन किंग्स ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल. राजा जो थे अपने युद्ध की जानकारी भी उस पर लिखवाते थे कि उन्होंने कौन सा युद्ध जीता, किस तरह से, वो सारी इंफॉर्मेशन उनकी इंस्क्रिप्शन पर लिख मेंशन होती थी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोन्यूमेंट्स. मोन्यूमेंट्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स. द स्टडी ऑफ मोन्यूमेंट इज द की टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर कल्चर.
काफ़ी मोन्यूमेंट्स बनवाए गए थे, लाइक सांची स्तूप। ये भी राजा के साम्राज्य के बारे में बताता था कि राजा जो बनवाते थे कि किस तरह का राजा का एम्पायर है। नेक्स्ट वन इज ब्यूरियल्स। ब्यूरियल साइट्स ऑल्सो गिव अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल बुर्ज होम इन कश्मीर, ब्यूरियल्स होते कबर। ये साइट्स भी किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं? समृद्धता के बारे में किंगडम की। बुर्ज होम को जो एग्जाम्पल दिया गया है वो साइट मिली है, हैव बीन फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वहाँ पर। जो डेड मृत व्यक्ति को दफनाया जाता था पिट्स में, गड्ढे में, कई बार क्या होता था उस मृत व्यक्ति के साथ, उसके मालिक के साथ, उसके पेट्स को भी दफना दिया जाता था, और उसके साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स एंड वेपन्स भी उसके साथ दफनाए जाते थे। वो क्या सजेस्ट करते थे? ये बिलीव किया जाता था कि शायद मरने के बाद भी उसका कुछ जीवन बचा है तो उसके साथ ये चीज़ें दफनाई जाती थी, उसकी ज़रूरी चीज़ें, इम्पोर्टेंट थिंग्स उसके साथ दफना दी जाती थी। उन लोगों का ये मानना था कि शायद कुछ जीवन के मरने के बाद भी कुछ थोड़ा टाइम का जीवन है तो वो चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी। नाउ वी विल डिस्कस लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज आर रिलेटेड टू रिटन वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मीन्स पांडुलिपि। दे वर रिटन बाय हैंड ऑन पाम लीव्स। इन्हें हाथ से लिखा जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को किससे लिखा जाता था? हाथ से लिखा जाता था, पाम लीव्स, ताम्र पत्तों पर। ये जो थी पांडुलिपि जब लिखी जाती, जब तक उनके पास पेपर डेवलप नहीं हुआ था तो वो ताम्र की लीव्स पर, पाम लीव्स पर इसे लिखते थे। दीज डील विद ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। देयर वर एपिक्स, ग्रंथ होते थे, पोम्स होती थी, एंड प्लेस रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। यद्यपि जो थी काफ़ी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, इंसेक्ट्स, कीड़ों ने उन्हें खा लिया है। मैनी स्टिल रिमेन प्रिजर्व केयरफुली इन मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। और कई जो हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स उन्हें संभाल के रखा गया है, कहाँ पर? विहारों में और मंदिरों में। नेक्स्ट वन इज बायोग्राफी। एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ इज कॉल्ड बायोग्राफी। जीवन शैली के बारे में, जो राजा महाराजा होते थे उनके दरबार में काफ़ी स्कॉलर होते थे, पोएट जो होते थे, वो राजा के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके किंगडम के बारे में विस्तार से लिखते थे। कई बार राजा की खुद की इच्छा होती थी वो खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखते थे। दीज कॉन्ट्रीब्यूट इन रिकन्स्ट्रक्टेड हिस्ट्री। ये भी सहयोग देते हैं इतिहास को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल दिया गया, हर्षचरिता बाय पांड भट्ट गिव्स एंड डिटेल अकाउंट ऑफ लाइफ एंड रेन ऑफ एम्परर हर्षा। हर्षचरिता किसके द्वारा लिखी गई है? पांड भट्ट, हर्ष का दरबारी कवि थे ये। वो राजा के, एम्परर हर्ष के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके शासन के बारे में। नेक्स्ट वन इज रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट कौन से होते हैं? धार्मिक, जैसे कि वेदास एंड उपनिषद। दे टेल अस अबाउट द वैदिक वेज ऑफ इंडिया। अदर रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि पुराण एंड भगवद गीता, ये भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। द महाभारत वॉज रिटन बाई सेज वेदव्यास। महाभारत किसने लिखी? महर्षि वेदव्यास ने। एंड द रामायण बाई सेज वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। आप अभी देख भी रहे होगे इन दिनों लॉकडाउन में ये सब, महाभारत एंड रामायण, आई होप सो। तो ये हमें किसके बारे में, महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद, गीता, ये सब हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। हिस्टोरियन ड्रॉ इन्फॉर्मेशन ऑन द इकोनॉमी, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल फ्रॉम दिस एपिक्स। इतिहासकार कैसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? उस वक्त की अर्थव्यवस्था की, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक विश्वास कैसे थे, इन ग्रंथ में ये सब दिया गया है। नेक्स्ट वन इज सेकुलर लिटरेचर। कालिदास, ग्रेट पोएट, हैज रिटन शकुंतला एंड मेघदूता। इन्होंने प्ले लिखा शकुंतला एंड मेघदूत पे। शूद्रक ने भी लिखा है मृच्छकटिका। एंड जयदेव हैज़ रिटन गीत गोविंदा। जयदेव ने भी गीत गोविंदा लिखा है। चाणक्य हैज़ रिटन अर्थशास्त्र। चाणक्य भी ने भी एक अर्थशास्त्र नाम का की बुक लिखी है इन्होंने।
नेक्स्ट वन इज ट्रेवलर अकाउंट. कई फॉरेन ट्रेवलर्स भी आए इंडिया में और इंडिया से इम्प्रेस होकर उन्होंने भी अपने अकाउंट्स लिखे. दीज आर कॉल्ड ट्रेवलोग्यूज. दीज हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द पास्ट एंड रिलेटेड टू द रिप्रेजेंट. जो फॉरेन से आए थे और इंडिया से इम्प्रेस होकर उन्होंने भी बुक लिखी. मैक्सिमस भी उनमें से एक थे. ग्रीक एम्बेसडर थे इन द मौर्य कोर्ट. किन के दरबार में रहते थे? मौर्य दरबार में रहते थे. उन्होंने कौन सी बुक लिखी? इंडिका. लाइक मैक्सिमस, टू चाइनीज ट्रेवलर फायन एंड ह्यूनसेंग भी आए थे इंडिया में, विजिट किया था इंडिया में भी. उन्होंने भी डिटेल अकाउंट लिखे. इंडिया की इंफॉर्मेशन देते हैं वो. उन्होंने अपने अकाउंट्स में लिखा सीयूकी में. सीयूकी इज रिटन बाय ह्यूनसेंग एंड ट्रेवलर ऑफ फायन इज रिटन बाय फायन. गॉट इट? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ओके, थैंक यू.